अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर मैथ बुक क्लास 5। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को रमज़ान करीम की मुबारकबाद देती हूँ। रमज़ान करीम आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। रमज़ान का महीना रहमतों और बरकतों वाला महीना है। इस महीने में आप लोग अल्लाह ताला की खूब इबादत करें, नमाज पढ़ें, रोज़ा रखें और अल्लाह ताला की रहमतें, ताकि हम सब पर अल्लाह ताला की रहमतें नाज़िल हों। और जैसे कि आप सबको पता है कि हमारे जो ये स्कूल्स हैं, ये कोविड की वजह से अगेन क्लोज़ हो चुके हैं। तो आप सब इस रमज़ानुल मुबारक के महीने में अल्लाह पाक से दुआ करें कि ये कोरोना वायरस की जो वबा दुनिया में फैल गई है, जिससे बहुत सी तबाहकारियां हो रही हैं, तो अल्लाह पाक हमें इस वबा से निजात दिलाए, हम सब को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन। आज मैं आपको रिवीजन की तौर पे कुछ क्वेश्चंस करवा रही हूँ क्लास। ये क्वेश्चन आप तमाम स्टूडेंट्स अपनी कॉपी में राइट डाउन करेंगे और बहुत ही अच्छा नीट एंड क्लीन वर्क करेंगे। स्टूडेंट्स, रिवीजन वर्क आपका स्टार्ट करवाया है मैंने। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, फिल इन द ब्लैंक। आज मैं आपको कुछ ब्लैंक्स करवा रही हूँ रिवीजन वर्क। इट मींस के मैं आपको ये वर्क जो है पहले करवा चुकी हूँ, बट मैं आपको अगेन एक्सप्लेन कर रही हूँ। कुछ ब्लैंक्स मैं आपको यहाँ करवा रही हूँ, आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, आपको अगेन दोबारा से मैं इसे समझाऊँगी ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ सके। वैसे तो आप लोग पहले ये वर्क कर चुके हैं, आप में से सबको ही ये वर्क आता होगा, बट जहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम होगी, अगर कोई बात, कोई क्वेश्चन क्लियर नहीं हो रहा होगा, तो वो आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, 7 किलोमीटर इज इक्वल्स टू ब्लैंक मीटर। फर्स्ट ब्लैंक मैंने यहाँ मेंशन की है बोर्ड पे। इस ब्लैंक से आपको समझ आ ही गया होगा कि मैं कौन सी ब्लैंक्स करवा रही हूँ। तो सबसे पहले जिस तरह पहले मैंने आप लोगों को काम करवाया था कॉपी वर्क, बिल्कुल उसी तरह से हम करेंगे। आपको प्लेंदा ब्लैंक्स ट्रू फॉल्स जब भी मैं करवाती थी कॉपी में, तो हम प्लेंदा ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स के साथ कौन सा कॉलम ड्रॉ करते थे, रफ कॉलम ड्रॉ करते थे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे रफ वर्क की लाइन ड्रॉ करूँगी। आप सभी तमाम स्टूडेंट्स अपनी कॉपी में रफ वर्क कराएंगे, और रफ वर्क आपको पता है कि मैं पेंसिल से ड्रॉ करवाती, याद है ना सबको, पेंसिल से आपको रफ वर्क बनाना है। जो आपकी ये ब्लैंक्स हैं वो तो आप पेन से ही करेंगे, ब्लू पेन से करेंगे, और जो वन वर्ड आंसर होगा वो आप ब्लैक पेन से करेंगे, ठीक है। और जो हमारा रफ कॉलम है वो हम पेंसिल से लिखेंगे। सबसे पहले आपके पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है, किलोमीटर, किलोमीटर को आपने मीटर में लाना है। 7 किलोमीटर इज इक्वल्स टू ब्लैंक मीटर, इट मीन्स के 7 किलोमीटर जो है वो मीटर में किसके बराबर होगा, किस वैल्यू के इक्वल होगा। तो जब भी हम किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, याद है किसी को,
मैं 7 किलोमीटर को मैं मल्टीप्लाई करूँगी, डिवाइड करूँगी, क्या करूँगी? मल्टीप्लाई करेंगे। जब भी आपके पास किलोमीटर की वैल्यू होगी और आपको मीटर में उसे कन्वर्ट करना होगा तो आप मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 1000 से। 1000 से जब हम 7 को मल्टीप्लाई करेंगे, अगर आप 1000 का डिग्रीट कर सकते हैं, 1000 1000, 1000 2000, 2000, तो आप रीड कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो रफ कॉलम भी बना सकते हैं, जैसे कि मैंने रफ कॉलम ड्रॉ किया है, तो मैं आपको रफ कॉलम में करके बताऊंगी कि हम 1000 को 7 से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। 7 हमारे पास सिर्फ एक सिंगल नंबर था, एक ही डिजिट था, और 1000 में हमारे पास 4 डिजिट्स आ गए, तो मैंने ये 4 डिजिट वाली वैल्यू को अपर रखा, ठीक है। और डाउन में मैंने 7 लिखा है ताकि हम सिर्फ 7 का डिजिट रीड करें और आपके पास आंसर आ जाए। कैसे रीड कीजिए? जब भी हम किसी भी डिजिट को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर 0 ही आएगा। 7 0 0, 7 0 0, अगेन 7 0 0, 7 1 0। अब आप 1 से 7 को मल्टीप्लाई करें, 7 1 7, जी आपका आंसर हो गया, ठीक है। क्या आंसर आया है आपका? 7000। तो ये 7000 हम ब्लैंक में लिखेंगे, आप सब लोग ब्लैक पेन से ये वाली ब्लैंक फिल करेंगे। 7000, जब भी हम किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हम मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे। चाहे आपके पास वैल्यू कोई भी नहीं, यहाँ क्या 7 दिया हुआ, अगर यहाँ पे 8 होता, 14 की वैल्यू होती, 20 होती, कोई भी वैल्यू हो सकती थी, तो आप उस वैल्यू को मल्टीप्लाई बाय 1000 ही करते, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है आपका, नजर आ रहा है 0, बट इन दोनों डिजिट की कोई वैल्यू नहीं है,
क्योंकि मैं जीरो में फाइव प्लस करूँगी तो भी मेरा आंसर फाइव ही आएगा, जीरो में टू प्लस करूँगी तो भी मेरा आंसर टू ही आएगा, ठीक है, तो 25 ही आपका आंसर। थ्री प्लस थ्री सिक्स, टू प्लस वन थ्री, 36 किसका है, ये मीटर का, बट आपको यहाँ पे ओनली सेंटीमीटर में लानी है, आपको सिर्फ सेंटीमीटर शो करना है। तो हम क्या करेंगे, जो ये हमारा मीटर है इसे हम हिडन कर देंगे और 3625 सेंटीमीटर या पास 3625 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी, फोर्टी सेंटीमीटर माइनस 20 सेंटीमीटर एंड 9 मिलीमीटर इज इक्वल्स टू ब्लैंक मिलीमीटर। कॉलम ड्रॉ कर लीजिए, फोर्टी सेंटीमीटर माइनस 20 सेंटीमीटर एंड 9 मिलीमीटर। जैसे अभी मैंने आपको इससे पहले एडिशन का क्वेश्चन करवाया है, बिल्कुल सेम आप वैसे ही सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन भी करेंगे और यहाँ पे भी बिल्कुल सेम सिचुएशन है। देखिए जरा गौर से, 40 सेंटीमीटर सिर्फ सेंटीमीटर की वैल्यू है, मिलीमीटर नहीं है, जबकि सेकेंड जब जिसे आप लेस करेंगे 20 सेंटीमीटर एंड 9 मिलीमीटर, ठीक है। तो हम कैसे इसे लेस करेंगे, फर्स्ट वैल्यू तो हमारी 40 है, ये हम अपर रखेंगे 40 सेंटीमीटर, ठीक है, ये टॉप पे लिखी जाएगी आपकी वैल्यू। अब इसमें से आप लेस कर रहे हैं 20 सेंटीमीटर एंड 9 मिलीमीटर। जैसे अगर अभी आपको याद हो कि एडिशन में मैंने अभी इससे पहले वाला क्वेश्चन ही आपको करवाया है कि हमारे पास जो 25 के ऊपर कोई नंबर कोई डिजिट नहीं था, तो हमने यहाँ पे क्या ऐड किया, याद है किसी को, हमने यहाँ पे ज़ीरो ऐड किया था। तो इसी तरह से हम यहाँ 9 के ऊपर भी ज़ीरो ऐड कर देंगे मिलीमीटर। ये ज़ीरो जो है वो क्योंकि 9 मिलीमीटर का है और 9 के ऊपर हमने ज़ीरो शो किया है तो ये भी मिलीमीटर का ही होगा। अब हमें लेस करना है, अगर मुझे ऐड करना होता तो मैं ज़ीरो में 9 प्लस करती तो 9 ही आंसर होता, लेकिन हमें माइनस करना है सब्ट्रैक्शन। तो ज़ीरो में से 9 माइनस हो सकते हैं, नहीं, तो हम क्या करेंगे, हम बराबर से कैरी बॉरो करेंगे। कैरी कहाँ से बॉरो किया जाएगा, इसके बराबर का अगर मैं देखूँ तो एकदम ज़ीरो है, लेकिन मैं और आगे चीज़ जाऊँगी फोर के पास, फोर से मैं कैरी बॉरो करूँगी तो यहाँ पे कैरी आ गई 10 हो गया, फोर को क्रॉस करके मैंने 3 लिखा। अब ये वाला 10 जो है इसे मैं क्रॉस करके 9 लिखूंगी और एक कैरी दे दूंगी 0 को, तो ये वाला जो आपका लास्ट वाला 0 है वो 10 हो गया। 10 माइनस 9 1 मिलीमीटर, 9 माइनस 0 9, 3 माइनस 2 1, ठीक है। थ्री में से टू लेस किए तो वन आंसर आया, 19 सेंटीमीटर एंड 1 मिलीमीटर। आपको ओनली मिलीमीटर में आंसर शो करना है तो आपका आंसर होगा 191 मिलीमीटर। क्वेश्चन नंबर डी, 900 मीटर इज इक्वल्स टू ब्लैंक
किलोमीटर। नाइन हंड्रेड मीटर को आपने किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। जैसे अभी हमने फर्स्ट लाइन की थी, हमारे पास किलोमीटर दिया हुआ था, किलोमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट किया था, तो हमने क्या किया था, मल्टीप्लाई बाय थाउजेंड। अब यहाँ पे आपको अपोजिट क्या कर दिया है, किलोमीटर बाद में आ गया और मीटर पहले आ गया, ठीक है। मीटर पहले लिखा हुआ है और किलोमीटर बाद में है, तो मीटर को जब हम किलोमीटर में लेकर आएंगे तो हम डिवाइडेड बाय थाउजेंड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, हम डिवाइड करेंगे थाउजेंड से। थाउजेंड से हम इसे कैसे डिवाइड करेंगे, थाउजेंड से आप देख रहे हैं कि 900 जो है ये आपकी छोटी रहती है और हमें इसे डिवाइड करना है थाउजेंड से। थाउजेंड तो आपका बड़ा नंबर है ना, तो क्या ये 900 थाउजेंड से डिवाइड हो जाएगा, देखते हैं हम रफ कॉलम में। रफ कॉलम ड्रॉ हुआ है आपका, 900 हम ब्रैकेट के अंदर शो करेंगे, ठीक है, और 1000 आपका यहाँ ब्रैकेट के बाहर आएगा, क्योंकि हम सॉल्व किसे कर रहे हैं, 900 को, किसे सॉल्व कर रहे हैं, 900 को, तो इसलिए हमने 900 को ब्रैकेट में लिया है। और 1000 जब हम मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो हम 1000 से मल्टीप्लाई, सॉरी 1000 से डिवाइड करते हैं, तो इसलिए ये 1000 जो है हमारा ब्रैकेट के बाद शो हो रहा है। अब हम टेबल रीड करेंगे यहाँ पे 1000 का, किसका टेबल रीड करेंगे, 1000 का, क्या 1000 के टेबल में 900 आता है, 1000 का टेबल अगर मैं रीड करूँ, 1000 को मैं वन टाइम रीड करूँगी तो 1000 बन सा 1000 और 900 जो है इससे छोटा है 1000 से, तो हमें इसकी वैल्यू को अपग्रेड करना होगा, 900 को बढ़ाना होगा। तो हम क्या करेंगे, हम पॉइंट लगाएंगे और यहाँ जीरो ऐड कर देंगे, और जब हम स्टार्ट में पॉइंट लगाते हैं तो इससे पहले आपके पास कोई डिजिट होना चाहिए, तो अगर आपके पास डिजिट नहीं है तो आप जीरो ऐड कर सकते हैं। आप 1000 का टेबल रीड कीजिए कि आपके पास 9000 आता है, अब 1000 के रेंज में 9000 आ सकता है, मैं 1000 का टेबल रीड करूँगी, वन टाइम 1000 बन सा 1000, 1000 टू सा 2000, 1000 थ्री सा 3000, मैं जितने भी 3 से रीड करूँगी या 4 से रीड करूँगी तो वो आपका वही नंबर जो है 1000 में आता जाएगा, 1000 फोर का 4000, 1000 फाइव सा 5000, 1000 सिक्स सा 6000, 1000 सेवन सा 7000, 1000 एट सा 8000 एंड 1000 नाइन सा, अब हम 9 टाइम रीड कर रहे हैं, 1000 नाइन सा 9000, ठीक है, 1000 को हमने 9 टाइम्स रीड किया तो 1000 9 सा 9000 हो गया। अब आप इसे क्रॉस करेंगे तो ये आपका इजीली पूरा क्रॉस हो जाएगा, कोई रिमाइंडर नहीं आएगा आपके पास, तो आपका आंसर क्या आया है, 0.9, ठीक है, ये आपका आंसर है। 900 को हमने 900 मीटर को हमने किलोमीटर में कन्वर्ट किया तो आपका आंसर आया है 0.9। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, 30 किलोमीटर 160 मीटर, 30 किलोमीटर 160 मीटर एंड 35 मीटर इज इक्वल टू
वैल्यू इसके साथ जो आपको सेकंड वैल्यू दी गई है ये सेंटीमीटर की। फर्स्ट वैल्यू आपके पास किलोमीटर की है, सेकंड आपकी है 160 मीटर। अलग अलग है, ये किलोमीटर है, ये मीटर है और ये सेंटीमीटर। यहाँ मैंने मीटर लिख दिया था बट ये सेंटीमीटर। किलोमीटर, मीटर एंड सेंटीमीटर, ये तीन वैल्यूज हैं। इन तीनों को आपने किसमें कन्वर्ट करना है? सेंटीमीटर। किलोमीटर जब मीटर में कन्वर्ट होगी, मीटर सेंटीमीटर में कन्वर्ट होगा, तो ये तीनों ही वैल्यूज जो हैं ये आपकी एक कंबाइन हो जाएंगी। ठीक है, बहुत अच्छे से करेंगे नीट। ओके, थैंक यू।